Subscribe Technical Board and press the bell icon for notification. Welcome Technical Board YouTube channel. So guys, मैं इस तरह के तमाम वीडियोस बनाता रहता हूँ. Wi-Fi, IMO, WhatsApp, Facebook और तमाम Android ऐप के बारे में, उनकी तमाम न्यू अपडेट और न्यू ट्रिक्स के बारे में. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को प्रेस करें. फिर वीडियो की तरफ चलते हैं. गाइस, वैसे तो सैमसंग के बहुत सारे न्यू वर्जन आते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्जन मुझे अच्छा लगा वो है एंड्रॉयड का वर्जन 9, जो 2019 में आया. तो ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल और स्मार्ट और कितनी इसकी अच्छी सेटिंग है. इससे पहले जो इसका वर्जन था वो, उसकी शायद कुछ लोगों ने रिपोर्ट कर दी थी कि वो अच्छा नहीं है, इसलिए सैमसंग वालों ने बहुत टाइम लगाया लेकिन अच्छा वर्जन लेके आए. तो इसमें कई सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आपको आज बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे न्यू अपडेट्स और न्यू फीचर्स हैं. तो उसके लिए आपको एक उसका न्यू अपडेट आया है, उसके बारे में बताता हूँ कि उसकी कॉल के बारे में कि वो ऑटो रिकॉर्डिंग और उसके अलावा कॉल का जो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर से होगा उसका नाम भी लेगा, यानी कि ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी आपको. पहले तो कई लोग ऐप यूज़ करते थे कि किसी का नाम कॉन्टेक्ट से नाम, तो वो नाम से पुकारे कि फलां की कॉल आई है, तो उसके लिए अब ऐप को यूज़ नहीं करना पड़ेगा. तो इसमें एक ये भी है अपडेट है कि आप यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर ऑटो कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री की, अगर आपको पता नहीं कि ये किसी कंट्री से कॉल आई तो स्क्रीन पर भी वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि ये सऊदीया की, दुबई की, यूएई की और अदर कंट्रीज़ की कॉल थी, वो उसका नाम स्क्रीन पर आएगा. और दूसरा ये है तो आप ये भी देख सकते हैं, आप इसकी सेटिंग में जाकर. तो ये तो न्यू अपडेट नहीं है लेकिन इसमें सेटिंग भी है और इसमें एक और ख़ास सेटिंग है जिसकी तरफ चलते हैं. तो ये बहुत ज़बरदस्त इसमें फीचर्स हैं कुछ, इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का और उसके अलावा कॉलर नेम का और उसके अलावा कॉल को पावर की पर अटेंड करने का, यानी कि आप पावर की होती है ना जो वॉल्यूम की, उसके ऊपर वाले ऑप्शन से कॉल को ओके कर सकते हैं और पावर की डाउन पर कॉल को एंड भी कर सकते हैं. और उसके अलावा भी ऑप्शंस कुछ हैं, रीड कॉलर नेम, आईडी अलाउड ऑन करना है आपको. उसके अलावा इसमें और फीचर्स भी हैं, तो उन फीचर्स की तरफ भी चलते हैं. तो वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप ना करें अगर आपके पास एंड्रॉयड का 9 वर्जन है न्यू, तो ये आपके लिए बेस्ट है. अगर यहाँ आप सैमसंग यूज़र हैं तो ये बेस्ट है. टेक्स स्पीच का भी ऑप्शन है, जैसे ही आप ऊपर कॉल सर्च करोगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे, उसके बाद आपको इंश्योर एंड कॉल में जाना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ साफ लिखा हुआ है रीड कॉलर नेम अलाउड, तो मैंने ऑन कर दिया है कि कॉल आएगा उसका नाम कहेगा कि फलां की कॉल आए. उसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है प्रेस वॉल्यूम अप टू इंश्योर, यानी कि जो वॉल्यूम बटन होता है साइड में सैमसंग को, उसको प्रेस करने से वो कॉल ओके हो जाएगा, यानी कि स्क्रीन पर नहीं जाना है. ये भी ऑप्शन है अगर ऑन, और इंश्योर ऑटोमेटिकली कॉल का भी ऑप्शन है, अगर ये भी ऑन करो कॉल आया खुद ही ओके हो जाए, पहले कुछ टाइम चले फिर ओके. उसके अलावा नीचे एक ऑप्शन है प्रेस पावर की एंड, कि ये जो पावर की बटन है उस पर क्लिक करो तो पहले तो साइलेंट हो जाता था, अब इसको ऑन करोगे और फिर पावर की को प्रेस करोगे तो वो कॉल एंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कट जाएगी, उसको कहेगा कि ये यूज़र बिजी है. तो इसके कुछ ये फीचर्स भी हैं
और कुछ और भी अपडेट, न्यू अपडेट आने वाली भी है। तो सैमसंग का जो न्यू अपडेट हमेशा आता है वो तमाम ज़बरदस्त आता है, तो उनको एक और अपडेट भी देनी चाहिए सैमसंग वालों को, स्क्रीन रिकॉर्डर की और भी कई सारे अपडेट हैं। तो तमाम दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं।